हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल में। आज दिखाएंगे आपको, देखिए ये सीसीटीवी कैमरा खरीद के लेकर के आए हैं और इसको लगाना है अपने इसी एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। पिछली वीडियो में हमने एक बार और आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाया था, तो वो जो कैमरा है वो हमारे लग चुका है एक जो ऑफिस हमारी है परशुरामपुर में वहां पे, लेकिन ये मेन आजमगढ़ में जो ऑफिस है अब यहां पे ये सीसीटीवी कैमरा लगने के लिए आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए क्या क्या जरूरत है। अब की बार जो कैमरा आया इसका पूरा सेटअप यानी सारा सामान, इसमें इतनी सामान में आप बड़े आसानी से कैमरा लगा सकते हैं। तो देखिए पिछली बार जो कुछ भूल गए थे मतलब उसको बाद में लेकर के एक एक चीज आना पड़ा, तो उसके बारे में हमने वीडियो नहीं दिखा पाए थे। यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है, डीवीआर रैक। देखिए ऐसा इसका ये चित्र बना हुआ है ना, यानी दीवार में ये सेट किया जाएगा जिसके अंदर हार्ड डिस्क और चैनल डिवाइस वो सब जो चीजें वो इसके अंदर रख के ताला बंद कर दिया जाता है। इसमें चाबी भी लगती है, तो कोई भी आदमी इसको आपको खोल के निकाल नहीं सकता, कोई डाटा डिलीट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, हार्ड डिस्क को तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये लॉक होता है और पूरी तरह से दीवार पे सेलेक्ट होता है। और इसकी रसीद वगैरह हम आपको अभी दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये हो गया इसका रैक मतलब जिसमें ये फिट किया जाएगा। अब देखिए ये दूसरी चीज यहां पर दिखाते हैं आपको, ये दूसरी चीज है, इसी के अंदर हमारा सारी चीजें जो है इसका भरा हुआ है, मतलब जो भी इसकी टोटल सामान है इसके अंदर पैक है। तो यहां से हम इसको खोल देते हैं, ओपन करते हैं। ये खुला हुआ भी था, ये दो स्टिकर लगा हुआ है, तो यहां से इसको हमने ओपन किया। अब इसके अंदर दिखाते हैं आपको सबसे पहले क्या क्या लाए हैं। आज देखिए ये कैमरा से अलग भी चीजें कुछ, सबसे पहले देखिए एक वायरलेस माउस लाए हैं यानी ब्लूटूथ वाला। ये जो माउस है ना इसके अंदर से कोई तार नहीं निकलता, कोई वायर नहीं निकलता, और ये नॉर्मल तरीके से हमारा जो कंप्यूटर में जो इसका मॉनिटर होगा उसमें कनेक्ट हो जाता है, बढ़िया से ये काम करता है। मतलब इसके वायरलेस मतलब कोई तार वगैरह नहीं लगा है। किसका क्या प्राइस, अभी हम आपको रसीद भी दिखाते हैं। उससे पहले देखिए ये हो गया हमारा एक वायरलेस माउस। इसके अलावा हम आपको कैमरा दिखाते हैं, ये क्या है, ये देखिए ये जो मॉनिटर वाली टीवी हमारी है उसको लगाने के लिए स्टैंड है, मतलब दीवार पे टीवी जो सेट होगी वो किस प्रकार से सेट होगी तो ये उसका स्टैंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया स्टैंड। स्टैंड में अगर हम आपको इसके अंदर दिखा दें कैसा क्या है, तो ये देख सकते हैं ये जो स्टैंड है देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये दीवार में लगा करके सेट करने के लिए टीवी हमारी दीवार पर रुकी रहेगी, तो ये इसका हो गया स्टैंड। और स्टैंड के अलावा अगर हम आपको दिखाएं, इसको सेट कर देते हैं सही से, इसमें रख देते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार से, इसमें तिरछा रखा हुआ था, इसको हम अभी रख देंगे। और इसके अलावा दिखाते हैं आपको क्या क्या है। देखिए ये हार्ड डिस्क, ये जो हार्ड डिस्क है 1 TB का है। 1 TB की हार्ड डिस्क अगर आप किसी सिस्टम में लगाते हैं तो 1 महीने का डाटा लगभग ये रिकॉर्ड करके रखती है, और पीछे से 1 महीने का फिर पीछे से डिलीट होता रहता है और आगे का रिकॉर्ड होता रहता है। तो मतलब लगभग 1 महीने का डाटा 1 TB की हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड होकर सेफ रहती है। तो ये हो गया हमारा 1 TB की हार्ड डिस्क। 1 TB मतलब समझते हैं 1024 GB बराबर 1 TB होता है, ये हो गया हमारा। और इसके अलावा इसका जो केबल वगैरह है जो कनेक्ट करवाने के लिए, देखिए ये 12 लेकर के आए, अभी 5 कैमरा तो 5 ही है लेकिन ये 12 लेकर के आए, तो ये 12 हो गया हमारा ये जो इसका केबल है। और केबल के अलावा हम आपको इसमें दिखाते हैं और क्या क्या है। देखिए ये कुछ पासपोर्ट साइज के फोटो वगैरह निकालने के लिए फोटो पेपर है, और इसके अलावा दिखाते हैं तो ये देखिए हमारा SMPS है जो पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसके बारे में जब हम अभी कैमरा जब सेटिंग होगी तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। ये हमारा SMPS है देखिए। और इसके अलावा कैमरा में क्या क्या है, देखिए कैमरा जो है वो CP+ कंपनी के हैं। CP+ ये जो कैमरा है CP+ कंपनी का है। देखिए ये जो कैमरा है 3 तो इसमें नॉर्मल है, 3 नहीं इसमें 2 कैमरा नॉर्मल है, मतलब कि जो सादा कैमरा है ये 2 कैमरा नॉर्मल है, और एक है पूरा मल्टी कलर में मतलब फुल वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आवाज के साथ ये रिकॉर्ड करेगा। और इसके अलावा आपको दिखाएं एक तो देखिए ये 32 GB का हमने पेन ड्राइव लिया हुआ है, ये अपने यूज के लिए है, HP कंपनी का है 32 GB में पेन ड्राइव। और इसके अलावा देखिए एक ये बुलेट कैमरा है, बुलेट कैमरा ये हमारा है। बुलेट कैमरा मतलब जब हम कहीं बाहर पे जो लगाएंगे मतलब मेन जो बहुत दूर तक फोकस करे दूर तक रिकॉर्ड कर सके तो ये बुलेट कैमरा वहां पे लगाएंगे, और ये वॉइस के साथ रिकॉर्ड करने वाला कैमरा। और उसके अलावा देखिए ये इसका हमारा 8-चैनल डिवाइस यानी इसका जो मॉनिटर का सिस्टम है 8-चैनल मतलब देखिए ये पूरा इसका DVR जिसको हम बोल सकते हैं CP+ कंपनी का ये भी है, यानी जो हमारा मेन 8 को कवर करेगा ये हमारा हो गया 8-चैनल डिवाइस। यही है मेन जो कि सारा डाटा को यही दिखाता है, यही शो करवाता है, मॉनिटर से यही कनेक्ट होता है, हर कैमरे से जो वायर रहते हैं वो इसी में लगे होते हैं। ये हो गया। इसके अलावा हम आपको और दिखाते हैं इसमें क्या-क्या लेकर के आए। देखिए ये क्या है, सीसीटीवी केबल वायर। ये जो वायर है देखिए इसमें 90 मीटर का ये वायर लेकर के आए हैं। ये वायर थोड़ा सा ना देखिए ये खुला हुआ वायर दिख रहा है ना, अब ये जो वायर का बंडल आ रहा है 180 मीटर, 9 × 2 = 18 मतलब 180 मीटर का आ रहा है। तो जहां से हम लेकर के आए हमको 90 मीटर के लगभग आवश्यकता थी, तो हमने इसमें 90 मीटर लेकर के आए, बाकी का काट करके वहीं पे निकाल दिए। तो ये हमारा हो गया कैमरा केबल यानी वायर केबल। देखिए क्या लिखा है इसमें, सीसीटीवी केबल यानी सीसीटीवी वायर के साथ केबल है 3+1 है ना। तो ये हमारा सीसीटीवी कैमरा का केबल हो गया। केबल के अलावा आपको दिखाते हैं एक
मॉनिटर भी है। मॉनिटर का मतलब जिसमें हमारा जो डिस्प्ले शो करेगा ना उसका ये मॉनिटर हो जाएगा, हमारा सीसीटीवी कैमरा का ये जो मॉनिटर है। ये मॉनिटर हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ये 19 इंच का मॉनिटर है। 19 इंच में देखिए, ये मॉनिटर थोड़ी सी नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा भी है। इसके लिए देखिए एक ये स्टैंड भी दिया हुआ है जो कि यहाँ नीचे जब हम इसको कहीं पर लगाएंगे, यानी नीचे पे अगर लगाते हैं तो ये हमारा स्टैंड काम करेगा। बाकी देखिए ये मॉनिटर हमारा जो थोड़ा सा नॉर्मल साइज से 15 इंच से थोड़ा सा बड़ा है। देखिए कुछ अभी देखिए सामान जो कवर वगैरह हैं, तो ये देखिए इसका मॉनिटर हमारा है। ये देखिए फिर क्या लिखा है, ये किसी और कंपनी का है। इस प्रकार से ये मॉनिटर है, इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्या हम लगा सकते हैं वो देख सकते हैं इसके अंदर। तो इस मॉनिटर में हमारा जो डिस्प्ले होगा वो शो करेगा, जो हमारी मॉनिटरिंग होगी मतलब जो सीसीटीवी कैमरा का होगा वो सारा कुछ इसमें शो करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें लाए हैं देखिए, ये सब कुछ नया और इसी इंस्टीट्यूट में अपने लगाने के लिए लेकर के आए हैं। और उससे पहले हम आपको रसीद दिखा देते हैं, जो रसीद है वो दिखाते हैं आपको कि वो रसीद कहाँ से है, कितने कितने का पड़ा हुआ है, किन किन चीज़ों का क्या रेट है वो देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ से आप रसीद को बिल्कुल बारीकी से पढ़ सकते हैं क्या क्या है इसमें, ये सारी चीजें हैं। और इसके पीछे भी कुछ चीजें लिखा हुआ है, देखिए यहां पर फाइनली ये सारी चीजें हैं, क्या रैक है तो 700 रुपए का है, जैसे अलग अलग सब कुछ लिखा हुआ है। इसको आप अगर चाहे तो रोक करके पढ़ सकते हैं। टोटल हुआ है देखिए 22,410 रुपए का, ये इतनी चीजें आई हुई है। तो इस प्रकार से अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो सारी चीजें खरीद करके लाए ये हम खुद किसी के यहां से खरीद के लाते हैं, हमारे यहां ये इस प्रकार की कोई भी पार्ट नहीं बिकते हैं। हमारा सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर है, सिर्फ बनाना सिखाया जाता है। तो किसी भी पार्ट के लिए आप यहां पे संपर्क मत करिएगा। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार का और सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।